फ्रेंड्स, मैं अरविंद शास्त्री आपको अपने चैनल डॉक्टर्स लैब पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको पांच ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिससे कि आपको बाइल्स में बहुत राहत मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि उनको असहनीय पीड़ा होने लगती है, बहुत ब्लड आने लगता है, तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए कि इससे तुरंत राहत मिल जाए। तो आज मैं कुछ इसी प्रकार का टिप्स देने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको असहनीय पीड़ा हो रही हो या खुजली हो रही हो या फिर कोई और समस्या हो रहा हो एनस एरिया में, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको तुरंत राहत मिल सके, यानी आप तुरंत ही रिलीफ से पा सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बवासीर में दर्द से राहत पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि वार्म बाथ लेने की जरूरत है। अगर आपको बवासीर से पीड़ित हैं और आपको असहनीय पीड़ा हो रही है तो आप वार्म बाथ ले सकते हैं। तो वार्म बाथ का मतलब होता है कि आप गर्म पानी को एक टब में डाल देते हैं और टब में डालने के बाद पानी को बिना टच किए उसके ऊपर बैठते हैं, मतलब कोई ऐसा चीज़ लगाते हैं जिससे उसका वाष्प जो है आपके एनस एरिया तक पहुंच रहा होता है। आप उसको कम से कम जब 10-15 मिनट तक बैठे रहते हैं तो आपको क्या होता है कि आपके बवासीर में जो दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उससे आपको राहत मिल जाती है, आपको इरिटेशन से राहत मिल जाती है, आपको खुजली से भी राहत मिल जाती है। इसके अतिरिक्त आप नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि नारियल में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है, यानी जहां आपको बवासीर है वहां पे आप क्या करते हैं कि नारियल के तेल को लगाते हैं। इससे क्या होता है कि वहां मॉइस्चराइज हो जाता है और वहां जो क्रैक होता है, जो स्क्रैच होता है, वहां फटने के और ब्लड आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तथा इससे राहत भी आपको मिलती है। यानी आप इसका अगर रेगुलर उपयोग करेंगे नारियल का तेल का, तो आपको बवासीर में काफ़ी फायदा मिलता है। इसके अतिरिक्त आप एलोवेरा ले सकते हैं। एक रिसर्च हुआ था जो कि बायोमेडिकल रिसर्च इंटरनेशनल के मुताबिक किया गया था। इसमें बताया गया कि एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से युक्त मतलब पदार्थ है। अगर इसका उपयोग रेगुलर वे में मतलब एनस एरिया पे जहाँ बवासीर है किया जाए, तो आपको तुरंत ही वहाँ इन्फ्लामेशन यानी सूजन कम होने लगती है, तथा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के कारण वहाँ जो कुछ कीटाणु होते हैं वो भी नष्ट होने लगते हैं। तो आप वहाँ पे चाहें तो अपने एनस एरिया के पास जहाँ बवासीर है आप एलोवेरा लगा सकते हैं, जिससे आपको इरिटेशन तथा खुजली, इसके अतिरिक्त आपको जो दर्द हो रहा है उसमें आपको राहत मिलता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूँ कि आप हल्दी और घी, देसी घी का मिश्रण भी एनस एरिया पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप बवासीर ठीक होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तथा एंटी इन्फ्लेमेटरी पदार्थ होता है, यानी इसमें बहुत सारे औषधि गुण होते हैं जो कि आपको बवासीर को ठीक करने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त आप आइस पैक का सहारा ले सकते हैं, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, असहनीय दर्द हो रहा हो, तेज दर्द हो रहा हो, तो आप क्या करें कि आइस पैक को लेकर के उसे एक कपड़े में लपेट लें, साफ कपड़े में लपेट के जहाँ बवासीर है उस एरिया को कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप उसको जब सेकते हैं तो आपको उससे राहत मिल जाती है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे अस्थायी तौर पर राहत आपको मिल जाता है। इसके अतिरिक्त आप जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैतून के तेल में एंटी इन्फ्लामेटरी तथा एंटी एनाल्जेसिक गुण होते हैं, यह आपको दर्द से तथा सूजन से अस्थायी तौर पर राहत प्रदान करता है। जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये आपको अस्थायी तौर पर राहत प्रदान करती हैं, इसलिए इन घरेलू नुस्खों को प्रयोग करके हो सकता है कि आप बवासीर को ठीक कर लें। लेकिन यह डिपेंड करेगा कि आपका स्टेज क्या है। अगर आपका स्टेज शुरुआती स्टेज है तो आपको राहत मिल जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना होगा कि बवासीर में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि बवासीर में आपको क्या खाना चाहिए, तो आप मेरी जो दूसरी वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बवासीर में क्या नहीं खाना चाहते हैं यह भी जानना चाहते हैं, तो आप मेरी दूसरी वीडियो, एक और वीडियो है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना।